हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी बाबा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा में स्वागत है। मेरा नाम है समर्थ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग की सीरीज़ में एक नया टॉपिक जो कि है नंबर सीरीज़। अभी तक हमने टफेस्ट शिफ्ट सॉल्व कर ली है सीजीएल 2020 की और हमने कैलेंडर टॉपिक कवर कर लिया है। इसके पहले भी हमने जो हमारी प्लेलिस्ट है रीजनिंग रणनीति, उसमें हमने वहाँ पर 4 से 5 वीडियोज़ आपको दी हैं जो कि आप लोग देख लें। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बेस्ट अप्रोच क्या है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें और इसको पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो हमारी वीडियो रहेगी, ये एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस स्टेनो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा टॉपिक है नंबर सीरीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं और हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सभी को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आज देखते हैं बेस्ट मेथड्स और अप्रोचेस क्या हैं इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो इस टॉपिक को हिंदी में बोलते हैं संख्या श्रृंखला। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने YouTube, Telegram और हमारे जो कोरा अकाउंट्स हैं वो सब मेंशन किए हैं। तो हमारे 2 टेलीग्राम पेजेस हैं, एक ऑफिशियल पेज, एक डिस्कशन पेज। तो आप दोनों से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, तो ये सारे लिंक्स अवेलेबल हैं इस PDF में। ये PDF भी आपको शेयर कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर सीरीज़ की। नंबर सीरीज़ क्या होती है? नंबर सीरीज से मतलब है अ लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ मोर देन वन एलिमेंट्स मेड ऑफ अरिथमेटिकल डिजिट्स। मतलब ये होता है कि मोर देन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक सिक्वेंस में अरेंज किया गया हो जिसमें एक अरिथमेटिकल कोई ऑपरेशन लग रही हो या कोई भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो। अंक गणती अंकों से बने एक से अधिक तत्वों का तार्किक क्रम, इसको बोलते हैं नंबर सीरीज। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई, आप सभी जानते हैं। ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा यूनिवर्सल क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक को लेकर, आप सभी टेलीग्राम पर भी पूछते रहते हैं और हमेशा पूछते हैं कि हाउ टू फाइंड द लॉजिक ऑफ गिवन नंबर सीरीज। एसएससी सीजीएल ने लास्ट ईयर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा है नंबर सीरीज का और सभी को प्रॉब्लम भी आई है। तो कैसे इस क्वेश्चन को देखें और कैसे उसको कम से कम टाइम में सॉल्व करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर मुझे लगता है वो ये है कि एक करेक्ट अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। एक अप्रोच आपको पता है कि इस प्री डिफाइंड ऑर्डर को मुझे फॉलो करना है और इस तरीके से आगे बढ़ना है, तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, एक करेक्ट अप्रोच। और इसके अलावा कुछ बचता है तो वो होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छी करनी है। प्रैक्टिस आप अच्छी कर लेंगे, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के आए हुए सारे नंबर सीरीज क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही हैं और इनको दो दो बार प्रैक्टिस कर लेना है, तो आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने लगेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आप लोग ध्यान रखें। अब करेक्ट अप्रोच तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो नंबर सीरीज है, इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। दो बातें कौन सी? कि सबसे पहले कोई भी सीरीज है उसमें आपको मेजरली दो क्लासिफिकेशन होते हैं उनके। एक होती है डिफरेंस की सीरीज और एक होती है मल्टीप्लीकेशन की सीरीज। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हम देखेंगे तो हम क्लासिफाई करेंगे वो डिफरेंस की सीरीज है कि मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। ये क्लासिफाई करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस सीरीज क्या होती है। तो देखिए, डिफरेंस सीरीज से मतलब क्या है मेरा, जैसे आप कोई भी सीरीज देखते हैं, सपोज एक सीरीज यहाँ पर लिखी हुई है 2, 3, 5, 8, 12, 17 क्वेश्चन मार्क, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये डिफरेंस की सीरीज है या मल्टीप्लीकेशन की सीरीज है। डिफरेंस से मतलब वो मत समझिए कि डिफरेंस मतलब कोई चीज़ माइनस हो रही है। डिफरेंस मतलब दो टर्म्स के बीच का अंतर। अब उसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है, कुछ भी उसमें पॉसिबल है। तो आइडेंटिफाई कैसे करें, हाउ टू आइडेंटिफाई कि डिफरेंस की सीरीज है? देखो, पहली बात तो रिकरिंग होगी। रिकरिंग मतलब कि जो नंबर्स हैं वो एक क्रम में बढ़ते रहेंगे, और दूसरा जो नंबर्स का इंक्रीज होगा वो ग्रेजुअल रहेगा। ओके, ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज रहेगा। मतलब जैसे लिखा है 3, 5,
एट, 12 ऐसा लिखा है, तो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहे हैं नंबर। तो जब ग्रेजुअल इंक्रीज होंगे तो वहां पर आपका आएगा क्या, डिफरेंस सीरीज, और जब भी सडन इंक्रीज होगा तो वहां पर आएगी आपकी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज। जैसे कोई भी नंबर में लिखता हूं आपको 2, 6, 18, 54 और 162, तो यहां पर आप देख रहे होगे कि यहां पर क्या हो रहा है, सडन इंक्रीज हो रहा है नंबर का। 6 से 18 हुआ, 18 से 54 हुआ, 54 से 162 हुआ। तो जब भी सडन इंक्रीज होगा वहां पर आएगी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज। अब 90% क्वेश्चन जो रहेंगे नंबर सीरीज के, वो डिफरेंस की सीरीज और मल्टीप्लिकेशन की सीरीज से सॉल्व हो जाएंगे, यहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। 10% क्वेश्चन जो मिसलेनियस सीरीज के रहते हैं, या कोई डिफिकल्ट सीरीज रहती है, डिवाइड सीरीज रहती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, बट यहाँ पर कुछ स्मार्ट मेथड्स और अप्रोचेस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो चलो देखते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंस की सीरीज की। देखो कोई भी सीरीज है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको आइडेंटिफाई करना है पहले कि वो सीरीज क्या है, डिफरेंस है या मल्टीप्लीकेशन है। फिर आपको सिंगल डिफरेंस, डबल डिफरेंस और ट्रिपल डिफरेंस तक जाना है। अगर डिफरेंस की सीरीज है, आपको फर्स्ट डिफरेंस निकालना है, सेकंड निकालना है, थर्ड निकालना है। तीन डिफरेंस निकालने के बाद अगर आपका जो है यहाँ पर आंसर नहीं आता है, तो फिर आपको जाना है कि यहाँ पर देखना है कि कोई मिसलेनियस पैटर्न तो फॉलो नहीं हो रहा है। और एग्जाम में मैंने जो क्वेश्चन देखे हैं वो डबल डिफरेंस तक निकल आते हैं, तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। और मल्टीप्लीकेशन में भी आपको एक से दो स्टेप तक जाना है, अगर उसके बाद आंसर नहीं निकलता है तो वो मिसलेनियस की सीरीज होगी। अब देखिए यहाँ पर, जैसे ये सीरीज है 2, 3, 5, 8, 12, 17, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, तो ये सीरीज क्या हुई, डिफरेंस की सीरीज हुई। अब डिफरेंस की सीरीज है तो इसमें डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पर 2, 3 का डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 3, इसका 4, इसका 5, मतलब अगला डिफरेंस हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 23। तो ये आपने देखा डिफरेंस की सीरीज को ऐसे फॉलो करना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो आप 1, 3, 8, 19, 42, 89, 184, तो यहाँ पर भी एक ग्रेजुअल पैटर्न फॉलो हो रहा है, सडन पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो आप डिफरेंस देख लो, यहाँ पर 1 और 3 के बीच में डिफरेंस क्या है, 2, 3 और 8 के बीच में कितना है, 5, यहाँ पर कितना है, 8, 11, यहाँ पर कितना है, 23, यहाँ पर कितना है, 47, और यहाँ पर कितना है, 90, ये हो जाएगा आपका 95। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो पैटर्न आपको मालूम चल ही रहा है कि 2 × 2 + 1 हो रहा है, 5 × 2 + 1, 11 × 2 + 1। एक बार और देख लेते हैं डिफरेंस, ये 3 हो गया, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 24, और ये हो गया आपका कितना, यहाँ पर 47, और ये हो गया आपका 48। तो ठीक है, आपने डबल डिफरेंस निकाला, ये आपका डबल डिफरेंस है। इसको निकालने के बाद आप देखो यहाँ पे 3 × 2, 6 × 2, 12 × 2, 24 × 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 48 × 2, तो यहाँ पर आएगा 96। तो यहाँ पर जैसे क्या हुआ, 48 47 को जोड़ के 95 आया था, वैसे यहाँ पे 96 और 95 जोड़ेंगे तो 9 9 18, 6 5 11, तो 191, मतलब 184 में 191 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 9 8 17, और ये 375 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 375 आपका आंसर निकल के आ गया। अब देखो आप कि यहाँ पर जो हमारा पैटर्न था वैसा हम फॉलो करते तो कितना आता, 95 × 2 190 और +1 191 ऐड करते। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं बताता हूँ आपको। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बात बोलेंगे कि आपने डबल डिफरेंस क्यों निकाला, हमको तो यहाँ पर ही समझ में आ गया था कि ये जो पैटर्न है ये × 2 + 1 है, ये एक पैटर्न है जो आपको मालूम चल गया। ऐसे बहुत सारे पैटर्न होते हैं, स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर माइनस वन, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल हियर। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है ना कि ये आपके दिमाग में पैटर्न आते हैं या नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप डिफरेंस निकालते जाएंगे, एक अप्रोच को फॉलो करेंगे, तो भी आपको आंसर मिलेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि पैटर्न के बारे में सोचने की बजाय आप डिफरेंस निकालते चलिए, तो आपको आंसर जल्दी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा,
184 प्लस 191, ठीक है, 375। तो इस तरीके से डिफरेंस की सीरीज को फॉलो करना है। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारी मल्टीप्लिकेशन की सीरीज पर। अब मल्टीप्लिकेशन की सीरीज हमारी क्या बोलती है, आपके पास नंबर लिखे हुए हैं और वो नंबर एक सडन ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं, मतलब या तो इंटू हो रहा है कुछ या डिवाइड हो रहा है, और इंटू डिवाइड के साथ प्लस माइनस भी होगा, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है सीरीज कौन सी है। देखो, ये इंटू टू करके कुछ हो रहा है यहाँ पर, 4 × 2 8 हो रहा है, फिर ये 24, ये 96, ये 96 से सीधा नंबर कितना हो रहा है, 480 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये मालूम चल रहा है कि ये सडन इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर ये सीरीज कौन सी है हमारी, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज। अब मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है दो, पहला तो आइडेंटिफाई करना है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। सेकंड आपको क्या करना है, लास्ट के दो टर्म लेने हैं, लास्ट के दो टर्म, ठीक है, और उनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न है। अब यहां पर देखो, आप लास्ट के दो टर्म तो हैं 480 और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेशन तो हम निकाल नहीं सकते, तो यहां पर हम कौन से टर्म लेंगे, हम ये टर्म लेंगे 96 और 480, दिख रहा है आपको, 96 और हम 480 लेंगे। तो इनमें रिलेशन हम निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या रिलेशन लग रही है। तो आप देखो यहां पर, देखो आप 96 और 480 है यहां पर, तो 96 का मल्टीप्लाई किस में करें कि 480 बन जाए, तो हमको मालूम है कि 96 × 5 हमारा 480 होता है, तो ये हमारा यहां पर 480 बन गया। तो यहां पर देखते हैं, अब लास्ट उसके पहले वाले दो टर्म लेते हैं, इसका इंटू फोर कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, इंटू 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये पैटर्न यहां पर चल रहा है। तो हमारी अगली टर्म क्या होगी, 480 × 6, राइट, तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 2880, ओके, तो ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, तो 2880 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन सीरीज आइडेंटिफाई करी, आपने यहां पर दो टर्म्स ली लास्ट की। अगर क्वेश्चन मार्क यहां पर होता, आप ध्यान से देखो, अगर क्वेश्चन मार्क यहां पर होता, यहां पर होता और यहां पर 2880 लिखा होता, तो आप कौन से दो पेयर लेते, आप ये दो पेयर लेते और इनमें रिलेशन निकालते, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट चलते रहते और पेयर में रिलेशन निकालते रहते, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने अगर ये दोनों सीरीज सॉल्व कर ली हैं, तो इसके बाद एक सीरीज और रहती है यहाँ पर, उसको बोलते हैं मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज कुछ नहीं है यहाँ पर, मिक्स सीरीज को क्या बोलते हैं, ये जो है मिक्स सीरीज जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंस प्लस मल्टीप्लीकेशन, ओके, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो सीरीज कुछ रहती है डिफरेंस और मल्टीप्लीकेशन, उसके अलावा कोई सीरीज रहती है उसमें इंटू 2 + 1 × 3 + 2 × 4 + 3 इस तरीके से चलता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन का और डिवीजन सब्ट्रैक्शन का, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एक डिवाइड सीरीज है, तो डिवाइड सीरीज यहाँ पर मैंने मिक्स सीरीज में इंक्लूड की है। अब देखो यहाँ पर आप नंबर देखो ध्यान से, 96, 24, 12, 12, 24 क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर आप की जो नंबर हैं, यहाँ पर आप अगर डिफरेंस निकालने जाओगे तो डिफरेंस में आपको यहाँ पर एक अनइवन पैटर्न मिलेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे, ये 72 है, ये 12 है, और यहाँ पर आपका क्या हुआ, 0 है, और ये आपका -12 है। फिर इसमें डबल डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 60, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो ये पैटर्न जो है डिफरेंस में फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब भी आप कोई सीरीज देखते हो और उस सीरीज में एक बड़ा नंबर स्टार्टिंग में ही लिखा है और फिर नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, और डिक्रीज होने पर भी एक नंबर सेम मिल रहा है आपको बीच में, तो भी आपको घबराना नहीं है इसमें कि ये जो सीरीज है कौन सी सीरीज है, ये डिवाइड की सीरीज रहेगी। अब देखो यहाँ पर कि अगर मैं इन दोनों नंबर को लेता हूँ, डिवाइड की सीरीज में आप स्टार्टिंग के पेयर लेंगे, स्टार्टिंग के पेयर में आपने अगर 96 और 24 लिया, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप देखो 96 में अगर हम डिवाइड बाय 4 कर दें तो 24 आ जाएगा, राइट,
तो मुझे ये मालूम चल गया कि डिवाइड हो रहा है यहाँ पर 4 से। तो अगला पेयर मैंने लिया 24 और 12, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो हमारा आ जाएगा क्या 12। मतलब यहाँ पर डिवाइड 4 हुआ, यहाँ पर डिवाइड 2 हुआ, तो यहाँ पर डिवाइड 1 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि आपका डिवाइड जो है होते जा रहा है, रिकरिंग हो रहा है ये, और 4 2, फिर 1 के बाद क्या आएगा, 1 का हाफ, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, 1 का हाफ 0.5। तो देखो आप यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आपका क्या आ जाएगा 24। फिर 24 में क्या रहेगा, 24 डिवाइडेड बाय 0.5 का भी हाफ, मतलब 0.24, मतलब ये आपका आ जाएगा 24 1/4, मतलब आंसर आ जाएगा 96। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, निकल के आएगा 96। तो ये है मिक्स सीरीज, मतलब इसमें यहाँ पर तो प्लस माइनस नहीं हुआ, बट मिक्स सीरीज में डिवाइड सीरीज मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताई। फिर यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और मालूम चलेगा और क्लैरिटी आएगी कैसे करना है क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। देखो आप, मिसलेनियस थिंग्स टू बी कवर्ड, नंबर सीरीज के लिए कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 1000, 1331, 1728, तो अगला क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये मैंने क्या लिखा है, क्यूब की सीरीज लिखी है, ये 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, ये 12 का क्यूब, तो यहाँ पर आएगा 13 का क्यूब, जो कि रहेगा 2197। तो आपको अगर क्यूब की सीरीज आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको क्यूब स्क्वायर सब याद हैं। तो आप स्क्वायर से याद कर लें, 1 से 50 तक, क्यूब्स 1 से 30 तक, टेबल मल्टीपल 1 से 30 तक, मतलब वही कि किसी नंबर का मल्टीप्लाई होकर एक सीरीज बढ़ रही है, तो वो भी आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे जो अगला है वो हमारा पॉइंट है 4। पॉइंट 4 में क्या लिखा है, प्राइम नंबर। अब कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिनमें डिफरेंस तो चलता है लेकिन प्राइम नंबर का डिफरेंस चलता है, तो आपको प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक मालूम होने चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कोड पैटर्न है प्राइम नंबर का, 4422322321, मतलब 1 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर हैं, 11 से लेके 20 तक 4 हैं, 21 से लेके 30 तक 2 हैं। तो ये आप पैटर्न याद रख सकते हैं। जैसे किसी ने आपसे पूछा कि 41 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो वो हैं आपके 3 प्राइम नंबर, तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो इस तरीके से ये पैटर्न को आप याद कर लें और प्राइम नंबर्स को भी ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे 1 बाय 1 SSC CGL 2020 में आए हुए सारे क्वेश्चंस नंबर सीरीज के, इनमें क्या पैटर्न यूज़ हुआ, और जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया उसी को मैं फॉलो करूंगा। आप देखिए कितना आसान है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 24 है, 35 है, 51 है, 73 है, 102 है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर नंबर जो हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। तो ग्रेजुअली नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये सीरीज कौन सी सीरीज हुई, डिफरेंस की सीरीज हुई। तो यहाँ पर हम डिफरेंस की सीरीज है, तो डिफरेंस निकालेंगे, 24 और 11 35, 35 और 16 51, 51 और 22 73, 73 और 29 102। अब यहाँ पर देखो 11 16 22 29, यहाँ पर कोई रिलेशन मिल रही है क्या, हमें नहीं मिल रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एक और डिफरेंस निकालते हैं, 5 6 7। देखा आपने, डबल डिफरेंस निकालते ही साथ मुझे यहाँ पर पैटर्न मिल गया। तो यहाँ पर 5 6 7 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहाँ पर 22 7 29 था, तो 29 और 8 क्या हो जाएगा, 37। अब यहाँ पर 37 जुड़ जाएगा 102 में, तो 102 और 37, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 139। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 139। तो इतना करना है आपको, डिफरेंस सीरीज आइडेंटिफाई करके डिफरेंस निकालते चलना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या नंबर है, 4 11 31 65 193। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेजुअल इंक्रीज यहाँ पर नहीं है, ग्रेजुअल इंक्रीज के लिए यहाँ पर, क्योंकि 65 से सीधा 93 हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे जितना लग रहा है वो है सडन इंक्रीज। और कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि इंक्रीज ग्रेजुअल है कि सडन है, तो उसमें आपको रेंडमली कोई एक ट्राई करना पड़ेगा। अब जैसे देखो यहाँ पर मुझे मालूम चल रहा है सडन इंक्रीज है, मतलब ये सीरीज मेरी कौन सी सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन की। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई भी 2 पेयर लूंगा मैं लास्ट के, तो मैंने ये 2 पेयर ले लिए। तो यहां पर 65 और 193,
अब जरा आप दिमाग लगाओ कि 65 से 193 कैसे बनेगा। तो मैं जानता हूँ कि 65 इंटू 3 करने पर 195 होता है 195, और इसमें कितने माइनस करने पड़ रहे हैं, दो। तो 65 इंटू 3 माइनस 2 हुआ। अब यहाँ पर मैंने ये पेयर लिए तो यहाँ पे 31 और 65, तो 31 में 65 बनाने के लिए क्या करें, इसका अगर मैं इंटू 2 करूँ और यहाँ पे प्लस 3 करूँ तो यहाँ पर बन रहा है ये, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटू 2 प्लस 3, यहाँ पे इंटू 3 माइनस 2। अब इसमें और देख लेते हैं क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, 11 और 31, 11 और 31, तो 11 में इंटू 3 माइनस 2 हो रहा है, 11 इंटू 3 33 और माइनस 2 31, तो इंटू 3 माइनस 2 यहाँ हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2, ये हमारा पैटर्न है। तो हमारा अगला नंबर क्या होगा, इंटू 3 माइनस 2 तो हो गया, तो अगला नंबर आएगा इंटू 2 प्लस 3, तो 193 इंटू 2 प्लस 3, मतलब ये हो जाएगा 286 और 3 289, 289 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, 27, 30, 37, 50, क्वेश्चन मार्क 98। अब यहाँ पर सबसे पहले जो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है और डिफरेंस की सीरीज हम लगाएंगे, तो देखते हैं डिफरेंस 3 आएगा यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर आएगा 13, फिर यहाँ पर हमें कोई नंबर मालूम नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 4 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो अगर यहाँ पर 8 रखते हैं तो यहाँ पर आएगा 21, और 21 आएगा तो 21 जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पर 71, और 71 के बाद यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 26, 71 में और 98 में डिफरेंस आएगा 27 का डिफरेंस आएगा। तो 27 का डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या आएगा, 21 और 27 में 6 का डिफरेंस, जबकि यहाँ 8 है तो यहाँ 10 आना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें क्या मालूम चलता है कि हमारी डिफरेंस की सीरीज वर्क नहीं करेगी, और डिफरेंस की सीरीज अगर वर्क नहीं कर रही है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज भी हमें किसी भी तरह से नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये मिसलेनियस सीरीज आएगी, ये मिसलेनियस सीरीज रहेगी। तो अब देखते हैं यहाँ पर ये प्लस 3, ये प्लस 7, ये प्लस 13। अब देखो आप, कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें मालूम चल रही है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको कि प्राइम नंबर आप लोग याद रखिए, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर प्राइम नंबर दिख रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर प्लस 3 प्लस 7 प्लस 13, अब जरा मैं प्राइम नंबर लिखता हूँ यहाँ पर, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरीके से हमारे प्राइम नंबर यहाँ पर चलेंगे। तो देखो आप, 3, 7, 13, मतलब जो इवन पोजीशन पर प्राइम नंबर हैं वो इन्होंने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर अगला प्राइम नंबर हम 19 लेंगे, तो यहाँ पर प्लस 19 करके देखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो आप 69 आएगा। अब 69 के बाद अगला जो डिफरेंस हमारा आना चाहिए वो क्या होता है, हमारा अगला प्राइम नंबर 23 और 29। तो देखते हैं जरा, 69 के बाद हमारा अगला आना चाहिए 29 यहाँ पर, तो 29 चेक कर लेते हैं, 69 और 98, हाँ इनमें डिफरेंस 29 का आ रहा है। मतलब ये यहाँ पर प्राइम नंबर की सीरीज है, वो भी इवन पोजीशन पर जो प्राइम नंबर है वो हमने यहाँ पर लिए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 69। तो ये आप लोग याद रखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 13, 26, 52, 104 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें मालूम चल रहा है कि ये सडन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर ये सीरीज कौन सी है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इंटू 2। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो 104 इंटू 2, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 208 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 121, 169, 225, 289। अब यहाँ पर देखो आप, जो भी नंबर बढ़ रहे हैं एक डिफरेंस है उनके बीच में, सडनली कोई नंबर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि 225 इंटू 1 प्लस कुछ हो रहा है, इंटू 1 प्लस कुछ हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डिफरेंस वाली सीरीज, हमारी फर्स्ट कैटेगरी में ये आएगा। तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस आ रहा है, 121, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 48, यहाँ पे देखिए 31 और 25,
छप्पन, यहाँ पे देखिए 25, 50 और 14 कितना हो जाएगा, 275 और 14 तो आ जाएगा 64। अब देखो यहाँ पे फिर डिफरेंस ले लो, ये हो जाएगा 48 और 8 56, 56 और 8 64, 64 और 8 72। तो यहाँ पर देखो डबल डिफरेंस निकाला तो हमें सेम डिफरेंस मिल गया, मतलब डबल डिफरेंस इज द की। अब यहाँ पे 72 मिल गया हमको, तो 72 हम इसमें ऐड कर देंगे, तो 289 प्लस 72 तो हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 6, 361 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 361। ओके क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 5, 13, 22, 34, 51, 75, 108, 152 ग्रेजुअल है, डिफरेंस है 5, 8, 13, 13 और 9, 22, 22 और 12, 34, 34 और 17, 51, 51 और 24, यहाँ 75, 75 और 33, 108 और 108 और 44, 52। इनका डिफरेंस देखो 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ पे आ गया आपका 11, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो यहाँ आएगा 13, तो हो जाएगा 44 और 13 कितना हो जाएगा 57, और 57 आपका जुड़ जाएगा 152 में, तो 152 और 57। ये सारे क्वेश्चन पिछले साल सीजीएल में आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं है, तो देख लो आप, यहाँ पे हो गया 9, यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे 2, 209 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 37, 52, 74, 104, 143, तो यहाँ पर भी नंबर ग्रेजुअल बढ़ रहे हैं और डिफरेंस की सीरीज है। तो देखो 37 और 15 52, 52 और 22 74, 74 और 30 104 और 104 और 39 143, इनमें देखो क्या डिफरेंस है, 15 और 7 22, 22 और 8 30 और 30 और 9 39, सेकेंड डिफरेंस निकाला हमको पैटर्न मिल गया, तो 7, 8, 9 यहाँ पे आएगा 10, अगर यहाँ पे 10 आएगा तो ये 39 और 10 क्या हो जाएंगे यहाँ पर 49, तो 143 और 49, तो ये हो जाएगा 192 आपका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 24, 48, 51, 204, 209। अब आप यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पर कि कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नंबर में यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर डिफरेंस ठीक चल रहा है, फिर यहाँ पर एकदम से इंक्रीज आया, 51 से 204 इंक्रीज आया, मतलब अगर ऐसा होता है कभी भी कि कभी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और सडनली मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, मतलब ये कौन सी सीरीज होगी, यहाँ पर मिक्स सीरीज होगी, तो यहाँ पर मिक्स सीरीज मुझे समझ में आ रही है, देखते हैं जरा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो मिक्स सीरीज अगर मैं देख रहा हूँ तो आप ये देखिए 24 से 48 जाने के लिए यहाँ पे इंटू टू किया मैंने, ओके अब 48 से 51 जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है मुझे, +3 करना पड़ रहा है, तो इंटू टू +3 हुआ। अब 51 और 204 जो है उसका फैक्टर है 51, मतलब 51 इंटू 4 करने पर 204 मिल रहा है, तो 204 के बाद 209 पे गए तो यहाँ पर +5 करने पर 209 मिल रहा है, मतलब पैटर्न यहाँ पर क्या मिला हमें, इंटू टू +3 इंटू 4 प्लस 5 देन आवर आंसर विल बी इंटू 6, तो 209 × 6 तो क्या हो जाएगा 1254 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की, तो क्वेश्चन नंबर 9th क्या बोल रहा है देखते हैं यहाँ पर, 68, 3, 63, 3, 57, 9, 50, 15, 42, 33, 33 क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो सीरीज है ये काफ़ी बड़ी सीरीज है और इसमें इंक्रीज डिक्रीज चल रहा है, तो यहाँ पर जब भी ऐसे नंबर रहते हैं, एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा, तो यहाँ पर चांसेस रहते हैं अक्सर दो सीरीज रहती हैं बीच में, टू सीरीज, तो टू सीरीज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है। जैसे मैं देखूँ यहाँ पर कि अगर मैं ये ऑड नंबर्स पर जो नंबर लिखे हुए हैं
ऑड पोजीशन पर उनको लेता हूँ। जरा देखो यहाँ पर मैंने ये ऑड पोजीशन पर नंबर लिए तो मुझे ये नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, 68, 63, 57, 50। तो यहाँ पे ग्रेजुअल और डिफरेंस दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो इस सीरीज़ को पहले हम देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है -5, ये हो रहा है -6, ये -7, ये -8 और ये -9। तो अगला जो नंबर आएगा यहाँ वाला, ये वाला नंबर, ये -10 आएगा, लेकिन हमसे इन्होंने पूछा है ये वाला नंबर। तो इस सीरीज़ का तो हमारे सामने कोई मतलब ही नहीं है, तो ये सीरीज़ जो है यहाँ पर कोई काम की नहीं है हमारे लिए। अब हमें ये सीरीज़ देखना है, तो इस सीरीज़ को हम देख लेते हैं। देखो आप, अब हमको ये सीरीज़ देखना है, 3, 3, 9, 15, 33। ओके, तो यहाँ पर आप देखो 3, 3, 9, 15, 33। अब जब भी आपको ऐसी सीरीज दिखे, एक नंबर लिखा है 3, 3 या 4, 4, सेम नंबर लिखा है, फिर सीरीज कुछ तरीके से बढ़ रही है, राइट, या इस तरीके से सीरीज बढ़ रही है, तो सेम नंबर आपको दिख जाए तो आप समझ लेना ये कौन सी सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है यहाँ पर। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। अब यहाँ पर देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की सीरीज सॉल्व करने की मेथड क्या है। आपको लास्ट के दो पेयर लेने हैं, तो मैंने ले लिए 15 और 33। तो मैं 15 से 33 कैसे बनाऊं, 15 × 2 + 3, 33 मेरा बन रहा है। अब देख लेते हैं इन दो पेयर्स को, 9 से 15 कैसे बनाऊं, तो मुझे पता है 9 से 15 बनाने के लिए 9 × 2 - 3 हो रहा है। अब आप लोग पूछेंगे सर 9 × 1 + 6 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर इंटू करने से ज़्यादा नज़दीक है, इंटू करने के बाद -3 करना पड़ रहा है, तो मैंने ये पैटर्न लिया। अब यहाँ पे 3 से 9 देखो, 3 से 9 कैसे बनेगा, 3 से 9 बन सकता है आपका 3 × 2 + 3, मतलब × 2 + 3 × 2 - 3 × 2 + 3। और ये देखो 3 और 3, तो 3 और 3 में देखो 3 × 2 - 3, तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है, मतलब ये पैटर्न चल रहा है। तो अगर ये × 2 + 3 पे ख़त्म हुआ है, तो अगला नंबर क्या आएगा हमारा, 33 के बाद अगला नंबर आएगा 33 × 2 - 3, तो आंसर आ जाएगा 63। कितना आंसर आएगा आपका, 63 इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमने क्या आइडेंटिफाई किया, एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, मतलब दो सीरीज मिक्स हो सकती हैं। उसके बाद हमने सीरीज को अलग अलग किया और देखा किस सीरीज का नंबर फाइंड आउट करना है, तो ऐसे इसको करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 3, 20, 38, 52, 85, 114। तो यहाँ पर आप देखो ये ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं और डिफरेंस की सीरीज लगा सकते हैं, 17, 18, कितना हो जाएगा 17, और यहाँ पर 18, फिर ये 14, फिर यहाँ पर आ जाएगा 23। ओके, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 82, 18 और 14 32। अब इनमें देखो 17, 1, ये +1 हुआ और ये -4 हुआ, ये +9 हुआ और ये -16 हुआ, और ये हुआ आपका +25। तो आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने डबल डिफरेंस निकाला, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान बन गया। अगर आप पहले डिफरेंस पर 17, 18, 14, 23, 7, 32 देखते, तो आप सोचते कि इसका पैटर्न नहीं मिलेगा। डबल डिफरेंस से मुझे मालूम चला अल्टरनेट प्लस माइनस है और स्क्वायर चल रहा है। तो अगला टर्म क्या आ जाएगा, +25 हुआ है तो -36 होगा, तो -36 किस में होगा, 32 में होगा, मतलब 32 - 36 मतलब आ जाएगा यहाँ पर कितना, -4, और ये आप इसमें जोड़ देंगे तो आंसर क्या जाएगा, 114 - 4, तो आंसर क्या जाएगा, 110 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ऐसे इसको करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, 4096, 1024, 256 एंड 64। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने आपको बताया एक बड़े नंबर से यहाँ पर जो नंबर हैं वो छोटे होते जाएं, डिक्रीज होते जाएं, तो यहाँ पर सडन डिक्रीज हो रहा है ना, और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड की सीरीज मुझे यहाँ पर लग रही है। तो देखते हैं 4096, 1024 कैसे बनाएं, डिवाइडेड बाय 4, ये डिवाइडेड बाय 4, 256 से ये डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 16। तो ये काफ़ी आसान थी, यहाँ पर सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो नेक्स्ट टर्म निकल आएगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की।
क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, 6 6 8 24 28 140। अब 6 6 8, मैंने आपको बताया है जब भी सेम नंबर आए पहले नंबर के बाद तो ये चांसेस रहते हैं, 95% मल्टीप्लिकेशन की सीरीज ही यहाँ पर काम करती है। ये मिक्स भी हो सकती है लेकिन मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर होगा ही, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट के दो पेयर लेंगे। मैंने लिए 28 और 140, तो इसमें क्या हुआ, इंटू 5 करने पर ये बन रहा है। अब मैंने और दो पेयर लिए 24 28। आपको कोशिश करना है आपको राइट साइड से ही पेयर सेलेक्ट करने हैं, तो 24 28 के बीच में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, तो +4 × 5, तो क्यों यहाँ पर × 3 हो सकता है, देखते हैं जरा हो रहा है क्या। 8 और 24, हाँ × 3 हो रहा है, और 6 और 8 में +2 हो रहा है, और 6 और 6 में × 1 हो रहा है, मतलब × 1 + 2 × 3 + 4 × 5 देन +6, सो आर आंसर विल बी 146। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, 146। तो ये आप लोग ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, 17 22 29 39 53, ग्रेजुअल है और डिफरेंस है, देखते हैं जरा पर। 5 7 10 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 39 और 14, तो यहाँ पर 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, तो 14 और 5 19, तो ये हो जाएगा 19 और 53, कितना हो जाएगा ये 72, करेक्ट आंसर इसका। इस तरीके से करना है आपको। 6 7 23 41 125, अब देखो आप यहाँ पर 6 7 23 41 125, अब यहाँ पर 41 से 125 यहाँ पर ग्रेजुअल नहीं है, ये सडन है। अगर ये सडन चेंज हुआ है मतलब यहाँ पर सीरीज कौन सी है हमारी, यहाँ पर हमारी सीरीज है मल्टीप्लिकेशन की, तो देख लेते हैं 41 और 125 को लेकर। 41 और 125, 41 में क्या मल्टीप्लाई करें, 3 करें, तो आ जाएगा 123। क्या जोड़ें, 2 जोड़ें, तो इंटू 3 किया और +2 किया। अब देख लेते हैं 23 और 41 में, 23 को 46 कैसे बनाएं, 23 का गुणा अगर हम 2 में करें और -5 करें, तो यहाँ पे इंटू 2 -5 करने से मेरा 41 आ रहा है। अब देखते हैं एक और दो पेयर, 7 और 23, तो 7 × मैंने क्या किया, 3 किया और +2 किया, इंटू 3 + 2 यहाँ पर किया मैंने ये, और यहाँ पर भी किया। अब यहाँ पर देखते हैं 6 और 7 में, तो 6 और 7 में 6 × 1 + 1 हो रहा है, और एक हो रहा है हमारा 6 × 2 - 5, और यही हमको चाहिए है, × 2 - 5 × 3 + 2 × 2 - 5 और × 3 + 2, तो अब क्या आ जाएगा 125 में, क्या आ जाएगा 125 में × 2 - 5, मतलब आंसर निकल के आएगा 245, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 28 18 12 और 8, फिर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर 28 18 12 8 ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहे हैं, ग्रेजुअल है और डिफरेंस है, तो डिफरेंस देखते हैं 10 6 4 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 2, तो यहाँ पे आना चाहिए 0, अगर यहाँ पर 0 आएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आएगा, और 4 आने के लिए यहाँ पर क्या होगा, आंसर आपका 4 होगा, इनका डिफरेंस 4 आएगा, फिर इनका डिफरेंस 0 आएगा, तो एक तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर आंसर हो सकता है 4। और एक और पैटर्न मुझे यहाँ पर मिला था इस क्वेश्चन में, तो जो भी ऑप्शन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। एक और पैटर्न आप देखिए यहाँ पर, कि जो 28 है, 18 है, 12 है, तो यहाँ पर नंबर डिक्रीज होते जा रहा है, और डिक्रीज में मैंने एक बात और बताई थी आपको कि डिवाइड की सीरीज भी काम करती है, ओके, तो डिवाइड की सीरीज यहाँ पर काम करती है, तो डिवाइड की सीरीज में आपको पहले पेयर को लेके चलना है, मल्टीप्लिकेशन में आखिरी से चलना है राइट साइड से, और डिवाइड में लेफ्ट से चलना है, तो इसमें 28 और 18 क्या रिलेशन बन सकती है, 28 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करता हूँ तो क्या आता है 14, और इसमें मैंने +4 किया, तो डिवाइड बाय 2 और +4 करने पर मुझे 18 मिल रहा है। अब 18 और 12 देख लो आप, 18 डिवाइडेड बाय 2
और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्लस थ्री करूँगा तो 12 मिल जाएगा, 9 प्लस 3। अब 12 और 8 देख लो, डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे प्लस 2 किया मैंने, तो क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 तो आपका फिक्स है ये, और आपका प्लस जो है 4 से डिक्रीज होते जा रहा है। तो 8 में क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो आंसर आएगा आपका 5। तो इसके दो आंसर पॉसिबल हैं, एक 4 और एक 5, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो आंसर होगा। तो आप लोग चेक कर लेना, जो भी ऑप्शन रहे वो करेक्ट होगा, 4 या 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 215, 231, 256, 292। तो यहाँ पे ग्रेजुअल है और डिफरेंस सीरीज लगेगी, देख लेते हैं। 16, 31 के बाद क्या आ जाएगा, 25, ये आ जाएगा 36। तो ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का है, ये 6 का है, और यहाँ पर ये आ जाएगा 49, 7 का स्क्वायर। तो 292 और 49, 9 2 11, 4, 341 इसका आंसर हो जाएगा। देखो आप, अब जैसे कोई भी स्टूडेंट है उसको नहीं मालूम कि स्क्वायर की सीरीज चल रही है, तो मैं बताता हूँ आपको डिफरेंस का फायदा। देखो आप, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो 9 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, तो 3613 हो जाएगा 49। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, राइट। तो 341 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 5 11 25 55, 117, 243। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सडन इंक्रीज हो रहा है, 117 इनटू समथिंग प्लस कुछ हो रहा है, 55 से 117 हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पैटर्न लग रहा है, मुझे सडन इंक्रीज दिख रहा है और ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज लग रही है। तो यहाँ पर लास्ट के पेयर देखते हैं, तो 117 और 243, ऐसा क्या करें कि 243 बन जाए 117 में। तो यहाँ पर अगर इंटू 2 करते हैं तो 234 आएगा, और इसमें प्लस 9 कर देंगे तो 243 आएगा। नेक्स्ट पेयर देखते हैं, 117, तो 55 इंटू 2 करते हैं और प्लस 7 करते हैं तो 117 बन जाएगा। 25 और 55 देखते हैं, तो यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है और प्लस 5 हो रहा है, तो इंटू 2 आपका फिक्स है, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, यहाँ प्लस 3 होगा, राइट। यहाँ पर देखो आप, 11 2 22 3 25, 5 1 5, 5 2 10 और 1, प्लस 1 प्लस 3 हुआ, प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो अब हो जाएगा 243 इंटू 2, और प्लस में आ जाएगा आपका 11, तो ये हो जाएगा 486 और 11, तो आंसर हो जाएगा 497। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18 3 36 6 54 9, एक नंबर बड़ा है यहाँ पर और एक नंबर स्मॉल है, लार्ज और स्मॉल, इनका पैटर्न चल रहा है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है तो 3 आ रहा है, यहाँ डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है तो 6 आ रहा है, यहाँ डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है, तो यहाँ पर दो सीरीज चलेंगी। तो ये सीरीज चलेगी आपकी 18 36 और 54, तो ये क्या आ जाएगा आंसर इसका, 18 इंटू 2 36, 18 इंटू 3 54, तो 18 इंटू 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 72, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। ये 18 की टेबल है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, ये क्वेश्चन शायद हम कर चुके हैं, 13 26 52 104, तो कुछ नहीं है, ये इंटू 2 हो रहा है, शायद हमने पहले इंटू 4 किया था कोई सीरीज में, तो 104 इंटू क्या हो जाएगा, 208। अब ऐसी सीरीज अगर देख के आपको समझ में आती है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप कुछ भी मत देखिए, ना ही डिफरेंस ना ही मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट इनको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 10 22 35 40 72 40, अब आप देखो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि नंबर जो हैं वो ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, ओके। और यहाँ पर मैं डिफरेंस की सीरीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर काम करेगी, 13, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपका आया कितना, 32, यहाँ पे आपका आ जाएगा -32, क्या आ जाएगा, -32। अब फिर देखते हैं क्या हुआ, +1 -8, और ये हुआ +27, 32 है और -32 है,
तो 32 से माइनस 32 कब आएगा? जब 32 माइनस 64 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा माइनस 64। ओके, अब आप समझिए, मैंने यहां पे डबल डिफरेंस लिया, तो डबल डिफरेंस लेने के बाद मुझे क्या समझ में आया, ये क्यूब्स हैं नंबर के, अल्टरनेट प्लस माइनस क्यूब हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस में होगा हमारा कितना, यह आ जाएगा 2705, 32 हुआ, ये हुआ, यहाँ पर आ जाएगा आपका 125 प्लस में। तो 125 और -32, -32 और 125, तो ये कितना हो जाएगा आपका 93। तो 93 और 40, तो 40 और 93, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा 133। तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो यहाँ पर 29, 42, 59, 78, 101, तो यहाँ पर ये ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस की सीरीज चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा आपका 59 और 20, 19, और यहाँ पे हो जाएगा 23। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अभी कुछ मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा है यहाँ पर। एक और डिफरेंस लेते हैं, +4, +2, +4, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +4, +2, +4। तो ये देखो आप, जो यहाँ पर डिफरेंस है वो अनइवन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, पहले डिफरेंस निकालने के बाद सेकंड डिफरेंस अगर करेक्ट ना आए, तो यहाँ पर आप चेक करो कि कोई मिसलेनियस सीरीज तो नहीं है। तो यहाँ मिसलेनियस सीरीज लग सकती है, जितना देखो आप, यहाँ पर 13 एक प्राइम नंबर है, 17 भी है, 19 भी है, 23 भी है। तो मतलब क्या हो रहा है, प्राइम नंबर सीरीज है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर यहाँ पर आ जाएगा 29। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 130, 101 में 29 जोड़ देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पहले डिफरेंस निकालने के बाद सेकंड डिफरेंस निकाला, लेकिन उसमें पैटर्न अनइवन मिला, तो मतलब पहले ही डिफरेंस में कोई मिसलिनियस पैटर्न है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, 17, 20, 80, 85, क्वेश्चन मार्क 517। अब देखो यहां पर, आप यहां पे 17 से 20 थोड़ा सा बड़ा ग्रेजुअल, यहां पे सडन बड़ा। तो मतलब जब भी मैंने आपको बताया कि थोड़ा इंक्रीज हो ग्रेजुअल पर और फिर सडन इंक्रीज हो उसके बाद, तो यहाँ पर मिक्स हो सकता है। मिक्स मतलब प्लस इंटू इंटू प्लस माइनस इंटू, ये सब चलता रहता है इसमें पैटर्न। तो यहाँ पर देखो आप, 17, 20, 80 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 17, 20, 80, 85, 517। अब मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन की सीरीज रहती है, तो वहाँ पर आपको लास्ट के दो पेयर देखने हैं, तो ये पेयर तो हम ले नहीं सकते यहाँ पर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो हम लेंगे ये दो पेयर, 80 लेंगे और 85 लेंगे, तो इनके बीच में क्या आ रहा है, +5 हो रहा है। फिर लेंगे 20 और 80, तो 20 से 80 कैसे होगा, इंटू 4 में होगा। अब लेंगे 17 और यहाँ पर लेंगे 20, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 इंटू 4 +5, देन वॉट इट वुड बी, इंटू 6, इंटू 6, तो यहाँ पर 85 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा, 510। अब आपको लग रहा है कि आपने सही निकाला है आंसर या गलत, तो क्रॉस चेक कर लो, अगर यहाँ इंटू 6 हुआ है तो इसके बाद +7 होगा, तो 510 और +7, 517, तो ये आपका 517 यहाँ पर है, मतलब आपने आंसर सही निकाला है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी सीजीएल 2020 में आया है, यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके होंगे, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 11, 13, 19, 49, 109, 239। अब यहाँ पर आप देखो, 11, 13 में 2 का डिफरेंस है, फिर 6 का है, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 का, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा कितने का, 60 का, फिर यहाँ पर आ जाएगा 130 का। तो डिफरेंस जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज भी लग सकती है। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज भी आप लगा सकते हो। चेक करते हैं, अभी यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में कि ये क्या है,
मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है या डिफरेंस की सीरीज है। 109 से 139 बनाने के लिए कितना करेंगे हम, इंटू टू, तो हो जाएगा 218, और इसमें क्या जोड़ दें हम, 21 जोड़ दें तो हो रहा है 239। अब 49 से इंटू टू तो हो जाएगा 98, और 98 इन दोनों पेयर को ले रहा हूँ अभी, तो ये हो जाएगा 98 और प्लस कितना हो जाएगा आपका, 11। ओके, तो यहाँ 11 जोड़ा, यहाँ पर 21 जोड़ा, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 49, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 इंटू टू 38, और 38 प्लस 11, फिर यहाँ पे 13 इंटू टू 26 चला जाएगा, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज तो फेल हो गई। अब यहाँ पर हम आ जाएंगे डिफरेंस पर, तो डिफरेंस देख लेते हैं, 2 6 ये कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, 60, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 130। अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में एग्ज़ाम टाइम में इसको क्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल था, जिन्होंने भी कर लिया मतलब उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। इस क्वेश्चन में आप डबल डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे 70 आएगा, आपको यहाँ पर कोई पैटर्न इनमें मिलेगा नहीं थर्ड डिफरेंस में, तो इसको क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो आप लास्ट के लिए रखिए, अगर निकल आता है तो अच्छा है, एल्स आप दूसरे सेक्शन पर फोकस करिए। इस क्वेश्चन का पैटर्न ये था कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर मिसलेनियस पैटर्न था। तो क्या पैटर्न था यहाँ पर, देखो आप, ये जो 2 है ये 1³ + 1 है, ये जो 6 है ये 2³ - 2 है, ये जो 30 है ये 3³ + 3 है, 60 जो है वो 4³ - 4 है, 130 जो है वो 5³ + 5 है। तो अगला टर्म जो आएगा वो आ जाएगा 6³ - 6, मतलब क्या जाएगा, 216 - 6, 210 यहाँ पर ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 239 और 210, तो 449 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 449 इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो इसका थोड़ा सा पैटर्न मिसलेनियस था, एक डिफरेंस के बाद आपको पता करना था कि कौन सी यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी, क्यूब या स्क्वायर, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी सारे क्वेश्चंस डूएबल थे, सिर्फ इस क्वेश्चन को मैं मानता हूँ कि एग्जाम में क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल था। अब बात करते हैं रॉन्ग सीरीज की। रॉन्ग सीरीज जो टॉपिक है, रॉन्ग सीरीज अभी तक एसएससी ने पूछा नहीं है, बट अगर इन फ्यूचर पूछता है तो भी आपसे बन जाना चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। रॉन्ग सीरीज क्या होती है, जैसे आपने अभी सीरीज का लास्ट टर्म फाइंड आउट किया, वैसे ही यहाँ पर एक सीरीज दी रहेगी, उसके बीच में कोई नंबर, पहला आखिरी या बीच का नंबर कोई गलत होगा, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है। तो सेम पैटर्न है, पहले आप आइडेंटिफाई करें डिफरेंस है या मल्टीप्लीकेशन है, अगर पहला नंबर रॉन्ग होगा तो वो पहला डिफरेंस वहाँ पे गलत होगा, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा फर्स्ट में, अगर लास्ट का रहेगा तो लास्ट का भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर कोई नंबर इन बिटवीन रॉन्ग होता है, सीरीज का कोई बीच का नंबर रॉन्ग होता है, तो कैसे मालूम चलेगा, वो ऐसे चलेगा कि जैसे मान लो आपने दो डिफरेंस यहाँ पर निकाले, यहाँ पर नंबर आपके लिखे हैं, अब ये डिफरेंस आपका गलत आया और ये गलत आया, अगर ये दोनों गलत आ गए जो पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, तो इन दोनों डिफरेंस के बीच का जो नंबर रहेगा वो नंबर इनकरेक्ट होगा। यहाँ पर देखो आप, मैं बताता हूँ, 33, 321, 465, 537, 573, 590, 600। अब यहाँ पर हम डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि ये ग्रेजुअल है, तो यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 33, 321 में 288, ये कितना आ जाएगा, 321, ये आ जाएगा आपका 44, 144, ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 17, और ये आ जाएगा आपका 10। ओके, अब यहाँ पर देखो आप, डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, तो यहाँ पर अब आपको कैसे मालूम चलेगा कौन सा नंबर हमारा इनकरेक्ट है। देखो 36 का हाफ यहाँ पर 18 होना था, क्योंकि यहाँ पर 72 का हाफ हुआ, और यहाँ पर ये 9 होना था, मतलब ये दो डिफरेंस हमारे गड़बड़ हैं, यहाँ पे गलत हैं, तो इन दोनों डिफरेंस के बीच का नंबर जो होगा वो गलत होगा, तो इसका रॉन्ग नंबर क्या है, 590, तो 590 यहाँ पर रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, यहाँ पर 18 आना चाहिए, तो 18 का डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 591, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू टेन एटीन फिफ्टी फोर 162 486 1458। अब हमको मालूम चल रहा है कि 486 से 1458 हुआ है, मतलब यहाँ पर नंबर जो है वो सडन इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की सीरीज लगेगी। तो 486 से 1458 कैसे बनेगा, देखिए जरा। इंटू थ्री करता हूँ, 8 5 और ये 1458, इंटू थ्री हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये भी इंटू थ्री हो रहा है, 162 से 486, ये भी इंटू थ्री हो रहा है, ये भी इंटू थ्री हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखो ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है। अब मल्टीप्लिकेशन की सीरीज में हमें मालूम चल गया कि यहाँ पर इंटू थ्री हो रहा है, ये तो यहाँ पर गलत है, इसको आप क्रॉस कर लेना। इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, 2 10 18। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इंटू थ्री होना था और यहाँ पर भी इंटू थ्री होना था, तो यहाँ पर आपको मालूम चला। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर गड़बड़ है ये कैसे मालूम करें, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर ये गड़बड़ है यहाँ, तो लेफ्ट से आएंगे राइट की तरफ और जो नंबर सबसे बाद वाला रहेगा ये नंबर, ये आपका इनकरेक्ट होगा। तो इसका आंसर आएगा कि जो 10 नंबर है वो रॉन्ग है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, देखो आप यहाँ पे आना चाहिए आपका इंटू थ्री हो रहा था ना, तो यहाँ पर सिक्स आना चाहिए, 2 इंटू 3 फिर 6 इंटू 3। तो अगर दो नंबर मिल जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो आप वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिए और लेफ्ट से आइए राइट की तरफ और जो सबसे बाद वाला नंबर रहेगा वो आंसर होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती थी 2 रॉन्ग है कि 10 रॉन्ग है, तो ये पैटर्न आप फॉलो करें। बाकी ये रॉन्ग सीरीज अभी तक पूछी नहीं है एसएससी ने, फिर भी मैंने आपको बता दिया सॉल्व कैसे करना है। और ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर सीरीज का, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। इसमें देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहला स्टेप सीरीज को आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंस है कि मल्टीप्लिकेशन है, ग्रेजुअल से और सडन इंक्रीज से, ग्रेजुअल सडन इंक्रीज से आपको पता चल गया। इसके बाद आप डिफरेंस निकालिए, सिंगल डिफरेंस डबल डिफरेंस ट्रिपल डिफरेंस, इनके बाद भी अगर आंसर नहीं मिलता है तो मिसलेनियस पे जाइए, ओके मिसलेनियस फॉलो करिए। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम फॉलो करना है, मल्टीप्लिकेशन में आपको पैटर्न मिलता है पहले स्टेप में तो ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है यहाँ पर देखना है मिक्स तो नहीं है, प्लस माइनस तो नहीं है, प्लस इंटू प्लस माइनस इंटू माइनस माइनस इंटू ये। और इन दोनों सीरीज को अगर आप पता नहीं कर पाते हैं, ये दोनों सीरीज नहीं मिलती हैं, तो हो सकता है कि वो डिवाइड की सीरीज हो। तो ये आप एक फ्लो चार्ट फॉलो करके चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे प्रैक्टिस करने के बाद ये फ्लो चार्ट माइंड में आएगा और क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये पैटर्न याद हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है ना कि आपको नंबर सीरीज में करना क्या है आगे, आपको एक अच्छे सोर्स को फॉलो करना है, मतलब एक ऐसी बुक जिसमें एक अच्छे क्वेश्चन दिए हों प्रीवियस ईयर के, CGL CHSL और CPO के सारे नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो जो 2020 में आए हैं, अच्छे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। अच्छे सोर्स को आप फॉलो करोगे तो उनमें आंसर अच्छे दिए होंगे, क्योंकि कई बुक्स में बहुत सारे लॉजिक दिए होते हैं और आपको पता नहीं चलेगा ये लॉजिक क्या है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रटना नहीं है चीज़ों को, रटना नहीं है पैटर्न को कि इस पैटर्न को याद कर लें यहाँ पर यही पैटर्न लगेगा, 90% 95% हो जाएगा। तो यही था आज का सेशन और आई होप कि आपको नंबर सीरीज में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा और फ्यूचर में आप ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए फिर मुलाकात होगी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।